हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में हमने प्रक्षेप गति, उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई के बारे में, क्षैतिज प्रास के बारे में जाना, जिसमें प्रक्षेपण कोण तल पर था, यानी जमीन से जिस बिंदु से फेंका था, जिस ऊंचाई से फेंका था, उसी ऊंचाई पर वस्तु क्या हो रही थी, गिर रही थी। अर्थात कहने का तात्पर्य था कि वस्तु को जिस ऊंचाई से हमने फेंका उसी तल पर वस्तु गिर रही है, तब हमने महत्तम ऊंचाई, क्षैतिज प्रास, उड्डयन काल इत्यादि के सूत्र निकाले। अब हमारे पास क्या है कि किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई से प्रक्षेपित कर रहे हैं, यानी हेडिंग है ऊंचाई पर कुछ ऊंचाई से प्रक्षेपित। प्रक्षेपित वस्तु की प्रक्षेप गति के लिए, यानी किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं, कुछ ऊंचाई से फेंक रहे हैं और उसे किसी वेग से फेंक रहे हैं, तब हमसे कहा गया कि बताइए इसकी प्रक्षेप पथ कैसा होगा, उड्डयन काल क्या होगा, क्षैतिज प्रास क्या होगी, महत्तम ऊंचाई तो खैर मालूम ही होगी, हमने इतनी ऊंचाई से फेंका, तो इन सब बातों को हमें जानना है। आइए चलते हैं। इसी के अंतर्गत नंबर पहली स्थिति है, यदि वस्तु क्षैतिज वेग U से प्रक्षेपित की जाए, यानी प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी जो है वो कितना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल है। मींस कहने का तात्पर्य हमारे पास क्या है, इस ऊंचाई पर हम हैं, पृथ्वी तल से, यह पृथ्वी है, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर प्रक्षेपण कोण है, बिंदु है O। यहां से वस्तु को हम यहां खड़े हुए थे, यहां से हमने वस्तु को क्षैतिज वेग U से हमने से क्या कर दिया, फेंक दिया। जब U से फेंक दिया तो यह वस्तु इस तरह से जाएगी और पृथ्वी तल पर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। यह बिंदु हो जाएगा तुम्हारा लास्ट पॉइंट A। O बिंदु से फेंका या A बिंदु से फेंका, O बिंदु हमने इसे मांगा, पृथ्वी से प्रक्षेपण बिंदु जो है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है, h ऊंचाई से हमने वस्तु को क्षैतिज वेग U से क्या कर दिया, फेंक दिया। जब U से फेंका तो यही क्षैतिज वेग हो गया, ऊर्ध्ववेग का मान क्या होगा, UY, UY बराबर U, जो कोण कितने हमसे 90, cos 90, cos 90 का मान 0, तो ऊर्ध्ववेग का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीधा सीधा लिख देते हम, UY बराबर क्या हो जाएगा, U cos 90 अंश, और cos 90 का मान 0, तो ऊर्ध्ववेग क्या होगा, 0। फिर वही बात, हमसे कहा गया यहाँ पर पृथ्वी कोण क्या होगा, जी होगा, उसी के अंतर्गत गति हो रही है, वही सब चीजें ए बिंदु पर, ए बिंदु पर क्षैतिज वेग कितना होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स बराबर यू ही है, ऊर्ध्ववेग क्या होगा, यू वाई बराबर क्या हो गया, जीरो। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि यू कॉस कितने अंश होगा, जिस घटक के साथ कोण होता है उसमें कॉस आता है, तो कॉस 90 का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। क्षैतिज त्वरण, क्षैतिज त्वरण, क्षैतिज त्वरण शून्य होगा, ऊर्ध्व त्वरण कितना होगा, ए वाई बराबर जी होगा। ठीक, कितनी दूरी तय कर रहा हमने ये कहा, एक्स दूरी तय कर रहा, तो क्षैतिज दूरी क्या हो गई, ऊर्ध्व दूरी क्या हो गई, एच, क्षैतिज दूरी क्या हो गई, एक्स। हमसे कहा गया यहां से यहां तक जाने में लगा समय हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ए से बी तक यानी उड्डयन काल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इसका पथ बताना। तो क्षैतिज गति में आए पहले हम, क्षैतिज गति में,
क्षैतिज गति में। क्षैतिज गति में क्या सूत्र लगाएंगे? Sx इक्वल टू ux t प्लस 1y2 ax t स्क्वायर। क्षैतिज दूरी कितनी है? x। क्षैतिज दूरी कितनी है? x। यहां से यहां तक आने में कितना समय लगता है? t। तो t लिखा, क्षैतिज वेग क्या है? u इंटू टी प्लस 1y2 ax वैल्यू 0 इंटू t स्क्वायर। तो क्या आ गया? x बराबर ut, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या हम इससे या t बराबर x अपॉन u, यही क्या होगा? उड्डयन काल, फ्लाइंग टाइम आ गया। यहां से यहां तक में लगा समय, अगर मैं x का मान मालूम है, ठीक। अब क्या निकालें? ऊर्ध गति में बात करें, ऊर्ध गति में, ऊर्ध गति में फार्मूला क्या लगाएंगे? xy इक्वल टू ui t प्लस 1 ay। देख रहे हो, गति के समीकरण ही लगा रहे हैं, पर जिस पद पर लगाएंगे उस पद की मान रखेंगे। ऊर्ध y कितनी है? h। ui ऊर्ध वेग 0, समय t प्लस 1 y2 ay माने g, और t स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। h बराबर 1 y2 g अपॉन u स्क्वायर t। यह परवलय का समीकरण है, यह परवलय का समीकरण है। जब परवलय का समीकरण है तो निश्चित ही तौर पर यह एक चर एक घात में, दूसरा चर दो घात में है। यह पीछे पथ कैसा है? परवलयाकार है, यानी यह भी परवलयाकार पथ है। कन्फर्म हो गई? अब एक क्वेश्चन और बार बार पूछे जा रहे हो गई, कौन सी ऊंचाई? महत्तम ऊंचाई। अगर मैं क्षैतिज प्रहार मालूम है, यह इतनी दूर गिर रहा है, तो यहां से यहां तक आने में इतना समय लगेगा, इतनी ऊंचाई होगी। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जब प्रक्षेप पथ हमने किया किसी समय में, यह तो पूरा समय लगाता, इसे यहां तक हम इसे अगर टी कह देते तो कैपिटल टी लिखा जाता, एक चीज और सुधार, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक पूरा आने में समय कितना लगा? टी। हमसे कहा गया टी डैश समय में, कितने समय में? टी डैश समय में यह किस बिंदु पर पहुंचता है? पी बिंदु पर। किसी समय टी डैश पर वस्तु पी बिंदु पर पहुंच जाती है, तो इस बिंदु पर वेग की क्या करना है? तो P पर वेग हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है यहां पर वेग कितना होगा। इस वेग की हमें क्या करनी है? गणना करनी। कन्फर्म किसी बात गौर करें, इस वेग के भी दो घटक हो रहे होंगे यहां, एक तो Bx हो रहा होगा, एक Vy हो रहा होगा। यह एंगल को हमने बीटा कह दिया। क्षैतिज वेग जो यहां था वही यहां होगा, P t डैश सेकंड के पश्चात वस्तु का क्षैतिज वेग। कैसे निकालोगे क्षैतिज वेग के लिए? निकालो जरा, Bx बराबर Ux प्लस Ax इंटू t डैश। कंफर्म गति का पहला समीकरण लगाओगे तो वही, कोई बाहर से समीकरण नहीं लगना है, जिस पद पर लगाओगे उसी का मान। क्षैतिज में लगाओगे क्षैतिज की वैल्यू रखोगे, ऊर्ध में लगाओगे तो ऊर्ध की। देखें जरा कितना आता है, Vx का मान, Ux का मान u, Ux का मान u, Ax का मान 0 और t डैश, तो कितना आ गया u। यहां पर जो क्षैतिज वेग है किसके बराबर है? u के। अब क्या कहेंगे? t डैश के बाद टी डैस समय या पी पर, ऐसे कह लें पी पर, टी डैस की जगह हम कर लें पी पर वस्तु का क्षय, पी पर वस्तु का ऊर्ध वेग चाहिए। क्या समीकरण लगेगा? वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी डैस। कंफर्म है ना?
चलिए देखते हैं इसे कितना आता है। ey की वैल्यू जीरो, तो vy बराबर ay मींस g, और ये कितना हो जाएगा t। यहां से यहां तक का समय, समय में दिया है 5 सेकंड पश्चात, 2 सेकंड पश्चात समय है। क्या निकालना है? P बिंदु पर, P पर वस्तु का v बराबर अंडररूट v x स्क्वायर प्लस, अरे पूर्ण घटक है ये, लंबवत घटक है, जब लंबवत होते तो परिणामी ऐसे ही तो निकाला जाता है, तो परिणामी v x वैल्यू q का स्क्वायर, यह मान हो गया g t डैश का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दें, हमें इस बिंदु पर वेग पता चल जाए। अगर हमसे कहता बीटा का मान निकालो तो tan बीटा निकलता vy / vx, क्यों कोण के सामने की चीज vy एक कोण लंब बटे आधार, तो vy वैल्यू रख देते तो बीटा बराबर आ जाता tan इनवर्स vy / vx। सवालों में छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी, इसी कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करेंगे। करते समय ध्यान रखेंगे क्षैतिज वेग सभी जगह नियत रहना है, एक ही होगा, ऊर्ध्व वेग हर बिंदु पर बदलना है, तो हर बिंदु पर ऊर्ध्व वेग हम अलग अलग निकाल लेंगे। परिणामी वेग निकालने का सामने फार्मूला, क्योंकि दोनों घटक लंबवत हैं, ठीक है। अभी हमने वस्तु को कैसे फेंका था, क्षैतिज, अगर हम वस्तु को ऊपर को कुछ कोण पर फेंक देते तो कैसे नहीं? आइए जानते हैं आगे। अब आगे बढ़े अपन, अब वस्तु को हम ऊपर से फेंक रहे हैं लेकिन कुछ कोण पर फेंक रहे हैं। पहली ए स्थिति थी, ए स्थिति में क्षैतिज में फेंकी थी। अब बी स्थिति में बात करें, एच ऊंचाई पर वस्तु है, एच ऊंचाई हमें क्या है ज्ञात है, वस्तु को क्षैतिज से ऊपर की ओर कितने कोण पर, थीटा कोण पर, ऊपर की ओर थीटा कोण पर, क्षैतिज से ऊपर की ओर कितने कोण पर, थीटा कोण पर यू वेग से क्या किया, प्रक्षेपित किया ए बिंदु से, तो यह वस्तु इस तरह से जाएगी, जाके जमीन पर गिरेगी। तब हमसे कहा गया क्षैतिज दूरी ज्ञात करो, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, और उड्डयन काल टी की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। दो बातें हमें क्या करनी होंगी ज्ञात। जब गौर करें हम इस चीज को, जब इसे किसी मीनार की चोटी से हमने फेंका, किसी ऊंचाई से हमने इसे क्या किया, प्रक्षेपित किया ऊपर की ओर, तो इसके वेग के दो घटक टूटेंगे, एक तो क्षैतिज में टूटेगा ux, ux बराबर u cos थीटा होगा, दूसरा टूटेगा इस तरफ को uy, क्या होगा uy, और uy का मान कितना होगा, uy बराबर u sin थीटा। अब ध्यान देने वाली बात है, आगे को तो क्षैतिज त्वरण, क्षैतिज गति में क्षैतिज वेग क्या होगा, ux बराबर u cos थीटा, क्षैतिज त्वरण क्या होता है जीरो, प्रक्षेप गति में क्षैतिज त्वरण नहीं होता है, ठीक है। क्षैतिज दूरी क्या होगी, sx equal to x, जो हमें क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी। ऊर्ध्व गति में बात करेंगे तो ऊर्ध्व गति के लगाएंगे समीकरण, तो क्षैतिज गति में गति के समीकरण को लगाएं, गति का समीकरण क्या होगा, गति का समीकरण एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, जो इस पद पे समय लगेगा वही ओ से बी तक जाने में समय लगेगा, क्योंकि उसी का फैक्टर, उसी वेग का फैक्टर है। चलिए क्षैतिज दूरी x निकालनी है, ux माने क्षैतिज में वेग u cos थीटा होगा, t वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस 1/2 ax वैल्यू 0 * t स्क्वायर, तो x equal to u cos थीटा * क्या आ गया, t आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब किस गति में बात करेंगे, ऊर्ध्व गति में यानी ao पथ पर, यह कौन सा पथ था, ओ बी पथ पर, एओ पथ के लिए। चलिए देखते हैं एओ पथ के लिए पहले वेग क्या होगा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा है,
लेकिन यहाँ पर यू वाई का मान क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि ऊपर को प्लस का है, नीचे को का है, कौन सा होगा, यू वाई माइनस का रखा जाएगा, या यू वाई का मान यू साइन थीटा होगा, समीकरण में रखते हैं। चलिए क्षैतिज ऊर्ध्व त्वरण ए वाई बराबर जी होगा, वस्तु नीचे को आ रही है, त्वरण भी नीचे को ही काम करेगा, इसलिए यह प्लस का ही रहेगा, कंफर्म बात। समय वही लग रहा है, एस वाई इक्वल टू क्या होगा, एच होगा। समीकरण क्या लगाएंगे, एक्स वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस वन वाई टू ए वाई टी स्क्वायर, एच यू वाई की जगह माइनस यू वाई रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा माइनस का यू वाई, सोचने वाली बात है, यू वाई माइनस का क्यों होगा, क्योंकि वस्तु का हम ए से को की ओर जे तो वेग इस बिंदु पे ऊपर को इतना ही वेग कहां को होगा, नीचे की होगा, ये रखा जाएगा माइनस का यू वाई, और यू वाई का मान हम कहें तो यू साइन थीटा, अगर हम समीकरण में यहां लिख लेते हैं तो इसको मान रखना पड़ेगा केवल यू साइन थीटा, ठीक है, इंटू टी प्लस वन वाई टू जी टी स्क्वायर, हम इसमें टी की वैल्यू यहां से रख दें, समीकरण एक से टी का मान रख लेता, क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू निकल आएगी इससे, एच इक्वल टू माइनस क्यू साइन थीटा, टी वैल्यू कितनी रखेंगे, एक्स यू कॉस थीटा प्लस वन वाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह भी देख रहे हैं इसका समीकरण आ रहा है पावल का, दिस इज कट जाएगा, तो एच इक्वल टू माइनस टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह भी पावल का है, इससे एच निकाल लिया, इससे एक्स निकाल लिया, अगर टी दिया, अगर हमें एक्स दिया तो टी निकल आएगा, एक्स कोई भी दो राशि इसमें से समीकरणों से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते। अब आगे की ओर बढ़े, अब हमें वस्तु क्या है, ऊपर को ना फेंक के कुछ नीचे को फेंक रहे हैं, तब कैसे इसे सॉल्व करेंगे, इसको समझे, सी पार्ट देखें हम इसका, ऊर्ध्व बिंदु से फेंक रहे हैं, कुछ ऊंचाई से वस्तु को फेंक रहे हैं, लेकिन क्षैतिज से कहां की ओर फेंकी जा रही है वस्तु, नीचे की ओर फेंकी जा रही है, वस्तु को फेंक रहे हैं, प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, सी पार्ट है, अगर कहें हम बात इस बिंदु ए से, क्षैतिज बिंदु यह है लाइन, क्षैतिज लाइन से नीचे की ओर यू वेग से फेंका, कितने कोण पर, थीटा, तो यह वस्तु इस तरह से जाएगी और कितनी दूरी पर जाकर गिरेगी, एक्स दूरी पर जाकर गिरेगी, फिर वही सब चीजें निकालना है, एच ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात करना है, समय टी लग रहा है, इस इधर से इधर तक आने में समय टी, यहां से यहां तक जाने में समय टी होगा, ठीक है ना, इधर वेग के दो घटक टूटेंगे, एक तो क्षैतिज टूटेगा यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, दूसरा टूटेगा यहां यू वाई बराबर यू साइन थीटा, कंफर्म है ना, यहां माइनस की जरूरत नहीं है, तो क्षैतिज गति में बात करेंगे अपन, क्षैतिज गति में, यानी ओ बी पथ के लिए, ओबी पथ के लिए क्षैतिज वेग क्या होगा, यूएक्स बराबर क्या होगा, यू कॉस थीटा होगा, ठीक है, क्षैतिज त्वरण होता ही नहीं है प्रक्षेप गति में, ठीक है, क्षैतिज त्वरण कार्य नहीं करता है, और एस एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स समीकरण लगाइए, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस वन वाई टू ए एक्स टी स्क्वायर, कर रहा हूं एक ही लीग पर चल रहे हैं, एक ही सिस्टम में चल रहे हैं टोटल, और समीकरणों को सॉल्व कर रहे हैं, कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं, कि फार्मूलों को आप रटते रहे, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, समझे, इसकी वैल्यू रखी एक्स यू एक्स वैल्यू यू कॉस थीटा टी वन वाई टू ए एक्स वैल्यू जीरो टी स्क्वायर, क्या आ गया, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, या टी बराबर आ गया एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत, आप कौन सी गति में चलेंगे, ऊर्ध्व गति में, ऊर्ध्व गति में, यानी किस पथ के लिए, ओ ए पथ में, ओ ए ओ पथ में, चलिए लगाते हैं, ऊर्ध्व वेग क्या होगा,
यू वाई बराबर यू साइन थीटा, जिस घटक के साथ कोण होता है उसमें कॉस आता है, जिसके साथ कोण नहीं होता उसमें साइन आता है। पीछे वेक्टरों का विभाजन पड़े ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। यू वाई निकल आया, ए वाई बराबर जी, नीचे को त्वरण नीचे को गति, तो क्या होगा जी प्लस का होगा, कोई दिक्कत में। अब क्षैतिज दूरी कितनी है, ऊर्ध्व दूरी क्या होगी, ओए पथ की दूरी कितनी होगी, ओए पथ की दूरी ए एक्स वाई इक्वल टू क्या होगी एच। लगाएं गति का समीकरण, गति का समीकरण क्या लगेगा, गति का समीकरण एक्स वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस वन बाई टू ए वाई टी स्क्वायर, जे एच ey की वैल्यू u साइन थीटा आएगा, t का मान इधर से रख दें x अपॉन u cos थीटा होगा, प्लस ey वैल्यू g और j हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इस सबको सॉल्व कर दें, u से u कैंसिल tan थीटा इंटू एक्स आया, प्लस वन वाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा। इससे हम h का मान फिर पुनः ज्ञात कर लेंगे और इससे पता चल रहा है प्रक्षेपपथ क्या है, परवलयाकार x द्वि घात में और y एक घात में है, तो परवलय कन्फर्म है। तीसरी बात, इस प्रकार से आप इस चैप्टर के सवाल बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और इस यूनिट की सभी वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन स्क्रीन पर है, उसे आप टच करें, उसको जैसे ही टच करेंगे इस यूनिट की प्लेलिस्ट पूरी खुल जाएगी, वीडियो क्रम से देखें। आर यू साइंस साइड स्टूडेंट, आप साइंस साइड के विद्यार्थी हैं, जब विज्ञान वर्ग एवं विज्ञान के अति क्रमबद्ध एवं सुनिश्चित ज्ञान को ही विज्ञान क्रम से देखेंगे, एक एक चीज समझ जाए। एक और समस्या, बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं टीचर पासवर्ड, बच्चों पासवर्ड पूरे वीडियो में डाल कहीं ना कहीं है, इस वीडियो में रखने का तात्पर्य जब आप वीडियो देखेंगे आपको पासवर्ड मिलेगा, साथ साथ इसकी पूरी थीम समझ में आई तो नोट्स भी आपको अच्छी तरह समझ में। नोट्स के लिए नीचे लिंक दिया है, ब्लू कलर की लाइन है, उसे टच करेंगे, पासवर्ड डालेंगे स्क्रीन में इसी वीडियो को, सब वीडियो के अलग अलग पासवर्ड है, उस पासवर्ड को उसमें जब आप डालेंगे बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए नोट्स उपलब्ध है। स्क्रीनशॉट ले ले, प्रिंट निकाल ले, अपना तैयार कर, इकट्ठे के चक्कर में नहीं रहे कि एक साथ मिलेंगे तब पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाए, अपने आप को आगे बढ़ाते जाए। तब तक के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए नमस्ते, ओके, धन्यवाद।